नवरात्रि पर्व एवं दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के संबंध में एसडीएम की अध्यक्षता में पवई थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शनिवार से प्रारंभ हो रही नवरात्रि पर्व एवं दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के संबंध में शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई पर पूर्व में लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। प्रतिमा के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट किया जाने की जानकारी बैठक में दी। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिनमें कम जगह के कारण श्रद्धालुओं दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके, झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी। इस बैठक में एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर, एसडीओपी रक्षपाल सिंह यादव, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार आस्था चडार, थाना प्रभारी एसपी शुक्ला सहित प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। तेरा पद को लेकर बैठक संपन्न हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? कल से नवरात्रि प्रारंभ है और पंडाल की जो साइज है 30x45 वर्ग फीट तय की गई है। सभी समितियों से अनुरोध किया गया है कि राइटिंग में जो है मेरे अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें, विधिवत अनुमति जारी की जाएगी और जितनी अनुमति आवेदन होगा उसी प्रकार से हम लोग विसर्जन की भी तैयारी करके रखेंगे। पवई से जीत बड़ोलिया की रिपोर्ट।